वो ऊपर बोर्ड देखो, डिस्को लाइट दिखा था अभी ये। बज गए सुबह के 9 और अभी मैं आया हूँ सड़ा मिरा बोलते हैं इसको, और यहाँ पे ये झूला भी है और समुंदर बाजू में, तो इसके ऊपर फोटो तो धासु आएंगे। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा डे 1 का, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मुंबई टू रत्नागिरी, देन मैंने वो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर की है, जैसे रत्नदुर्ग फोर्ट और एक शिप है जो मतलब खंडर है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता हूँ, मैं हूँ अभी रत्नागिरी राइड पे, तो ये है मेरा डे 2 और आज कुछ चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैं आया हूँ सड़ा मिरिया, तो ये विज़िट करेंगे। उसके बाद होपफुली अगर मुझे टाइम मिला, मतलब यहाँ के बाद मेरी 2-3 चीज़ें हैं, अगर उसके बाद भी मुझे टाइम मिला तो एक इंग्रज के ज़माने का फोर्ट है, मतलब एक विला जिसको बोलते हैं, तो वो भी विज़िट करेंगे। ये मेरा जट्टी, बहुत साल पहले यहीं पर शिप्स लगते थे, अभी तो बंदरगाह दूसरी जगह हो गया, लेकिन सबसे पहले शिप्स यहीं पर लगते थे। काफ़ी बढ़िया प्लेस है यार, बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़िश पकड़ने भी आते हैं, मतलब रॉड लेके। तो आज सुबह सुबह कोई है नहीं यहाँ पे, शायद सुबह इसके लिए, शाम के टाइम पे अगर आएंगे तो यहाँ पे सब लोग लाइन से बैठे हुए रहते हैं। अभी तो हाई टाइड है, नहीं तो ये जो स्टेप्स है ना नीचे तक है काफ़ी, और यहाँ पर जो शिप है उनको बांधने के लिए लगाया गया। ये सड़ा मिरा में ना मछलियाँ काफ़ी यहाँ से नज़दीक से दिखती है। अभी जो मैंने आपको दिखाया जैसे कि जेली फिश थी वो, तो यहाँ पे भी ना कुछ ऐसे पापलेट जैसे चपटी वाली मछलियाँ ना, वो भी यहाँ पे इतनी एकदम नज़दीक आ रही है। मेरे पास फिशिंग रॉड रहता ना, एक दो तो निकाल ही लेता मैं। यहाँ से मैं 2 लोकेशन जा सकता हूँ, एक तो रेड सैंड बीच है जो कि यहीं पर है, और दूसरा है थीबा पैलेस जो अंग्रेज़ के ज़माने का पूरा बिल्ड स्ट्रक्चर। सुबह सुबह ऐसे नींद से उठ के ऐसे बीच के बाजू में आके बैठने का ना मज़ा ही कुछ और है एकदम। ये ऐसे स्ट्रक्चर देख के मुंबई की मरीन ड्राइव की याद आ रही होगी ना, यहाँ पे भी सेम ऐसे स्ट्रक्चर है। ये इसके लिए रखे ताकि कोई बड़ी वेव अगर समझो आ गई तो फिर इससे टकरा के उसका जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाए। मेरे पीछे आप ये देख रहे हो ना, ये है थीबा पैलेस, मतलब थीबा राजा थे उनके नाम के ऊपर ये पैलेस बना गया है। करीबन 20 एकड़ की जगह है ये। थीबा किंग जो ब्रह्म देश के किंग थे, और ये 1910 में कंस्ट्रक्ट किया है अंग्रेज़ों ने ये पैलेस, और वो स्पेशली इसके लिए कंस्ट्रक्ट किया था कि जो थीबा राजा थे उनको नज़र कैद में रख सके। वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट था अंदर, तो मैंने वो कैमरा भी निकल के अंदर रख दिया, मोबाइल को भी हाथ लगाने नहीं दिया। नॉर्मल फ़ोटो भी नहीं खींच सकते हम, और जो एंट्री फ़ी है वो 10 रुपया है। जो थीबा किंग थे उनकी जो यूज़ की हुई चीज़ें जैसे कि चेयर या फिर मूर्तियाँ हैं काफ़ी सारी पत्थर में कोरी हुई, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर किया हुआ है ना लकड़ी का और 100-150 साल पहले का, वो देखने लायक है, तो उसका 10 रुपये लोग लेते हैं। वेल मेंटेन है, काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए। आप कभी यहाँ पे आओ तो थीबा पैलेस ज़रूर विज़िट करना। थीबा राजा को जो दफनाया गया है वो रत्नागिरी में शिवाजी नगर करके जगह है, वहाँ पे उनको दफनाया गया है। कल मैं आया तो मैंने आपको रूम नहीं दिखाई थी, तो ये कुछ रूम है। 1344 में मुझे ये रूम आया विद एसी, अच्छा है, बजट है और नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है भाई, मैंने पहले वॉशरूम ही देखा था। तो हो गया निकलने का अभी टाइम, अभी चलते हैं यहाँ से वापस से 350 किलोमीटर ड्राइव करना है भाई मेरे को। हम चले बाहरों में, रत्नागिरी से बाहर निकल रहा हूँ अभी, तो मुझे पेट्रोल डलवाना है थोड़ा आगे जाके डलवाऊंगा, और नाश्ता मैंने कुछ ठीक ठाक किया नहीं है तो वो मुझे करना है, या फिर सोच रहा हूँ लंच ही कर लूँ क्योंकि 12 तो बज गए, और आज मैं फ़िश खा सकता हूँ क्योंकि आज संडे है, और रत्नागिरी साइड आए कोकन साइड आए और फ़िश नहीं खाया, ऐसा हो नहीं सकता भाई, तो मुझे आज फ़िश खानी है। अच्छा कोई होटल देख के खा लूँगा, सिटी से बाहर निकल के देखता हूँ थोड़ा। बस बीच बीच में ये जो पैच है ना ये बड़ा ख़राब है, पाँचों से ही नदी जा रही है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर जाके डुब्बा मारूँ, तो गर्मी इतनी लग रही है।
इस पैच का भी काम एक बार हो गया ना तो ये फिर और टकटक हो जाएगा काम। तो वैसे भी चले वो देखो वहाँ पे ब्रिज बन रहा है 400। हाँ चिपड़ून यहाँ से है 45 किलोमीटर। रास्ता अभी थोड़ा ऐसा वैसा ही था इसके लिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो कब का पहुँच जाता। अभी आया सोमेश्वर रोड और मैं देख रहा हूँ कहीं अच्छा ढाबा मिले यार खाने के लिए, कहीं अच्छा ढाबा ही नहीं मिल रहा है। घाट सेक्शन ही चालू था इतने टाइम से। जो फिश मुझे चाहिए थी वो तो है नहीं, तो अभी चिकन से काम चलाना पड़ेगा। पेट पूजा तो दबा के हो गए भाई, फिश नहीं मिला तो चिकन से काम चला लिया क्योंकि टाइम भी हो गया था और अभी बज गए 3:14। अब यहाँ से चिपलून जो है वो कुछ 15 किलोमीटर है, होटल ग्रीन गार्डन तालुका चिपलून। चलो भाई, ये ट्रेलर वाले ने यहाँ पे कांड कर दिया भाई, इसकी वजह से अभी गाड़ियाँ पूरी घूम के जा रही है। क्या बोलने का इसको, सीधा डिवाइडर के ऊपर ही चढ़ गया। अब इसकी वजह से ये गाड़ियाँ सब रिटर्न आ रही है, उल्टी आ रही है, मतलब वो लेन में थी वहाँ से घूम रही है और फिर यहाँ पे आ रही है। बस वाला बेचारा रिवर्स में जा रहा है इतनी बड़ी बस लेके। चिपड़ून में ये ब्रिज का काम चल रहा है, अभी कुछ दिन बाद फिर यहाँ नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है। चिपड़ून में घाट से उतरने के बाद सीधा ब्रिज पकड़ के चिपड़ून सीधा ऊपर के ऊपर ही पार हो जाएगा। अब ये कब बनेगा पता नहीं, पिलर तो सब बन के रेडी है। कुछ दिन पहले आपने न्यूज सुनी रहेगी, चिपड़ून में एक जो गटर था वो पूरा नीचे आया था, वो देखो ये पूरा टूटा पड़ा है। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और सीधा ये नीचे आ गिरा, शायद से कोई डेथ हो गई किसी की इसमें, लेकिन देखो पूरा का पूरा टूट के नीचे आ गिरा है। डेंजरस है यार। अच्छा भाई ये सब डाल के रखे, मेरे ख्याल से उसके बाद ही डाले रहेंगे क्योंकि ये पतरे नए नए लग रहे हैं। फुल वैन में बच्चे देखो, ओए संडे को कौन सा स्कूल है भाई इनका, अबे क्या कर रहा है भाई। बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई गंदगी मत करो। टाइम हो गया 4:20 और अभी सूरज जब था धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं और अभी हवा में जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो गई, तो इतने देर से इतना गर्मी लग रहा था, जैकेट का चेन आधा खुला रख के चल रहा था मैं, अब जाके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अभी भी थोड़ा दूर ही हूँ मैं, मतलब आराम से ही चल रहा हूँ। महाड अभी यहाँ से 40-45 समथिंग 50 किलोमीटर के आसपास ही है, सिर्फ जो पाली रोड है वहाँ पर पहुँचने से पहले अंधेरा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फंडा ये है कि वाकन फाटा से मैं तो राइट लूँगा लेकिन जब पाली रोड पे जाऊंगा तो वो रोड पे काफ़ी घना जंगल है और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, तो फिर वहाँ से ड्राइव करना थोड़ा सा टेंशन वाला चीज़ है। और सिंगल लेन रोड ही है, पूरा जंगल से होते हुए जाता है तो थोड़ा तीनों टेंशन वेंशन रहता है, कोई साला मेरे को लूट ना ले, लूटने के लिए कुछ है भी नहीं अपने पास। घाट सेक्शन में मैं 80 की स्पीड से चल रहा हूँ यार, रोड बना दिया वाह एक नंबर। कभी सोचा नहीं था कोकण के घाट सेक्शन पर कभी 80 पे भी गाड़ी चला सकता हूँ, इसकी तो यार स्पीड ब्रेकर कौन डालता है यार हाईवे पर, कम से कम 10 से 15 स्पीड ब्रेकर डाले ये लाइन पे। मेरे ख्याल से ये टर्न है इसके लिए डाले लगता है, ये देखो और भी आगे है क्योंकि टर्न एकदम शार्प है, रोड बड़ा है। मेरे जैसा कोई एकदम ऐसा स्पीड से आया जैसे मैं अभी आ रहा था तो झुक करके यहाँ से सीधा नीचे ही चला जाएगा। कितने स्पीड ब्रेकर डाले वे, 10-15 तो पहले गए और अभी इसके आगे भी दिख रहे। अभी वो रोड कैसा है यहाँ से, एकदम ऐसा टेढ़ा लग रहा है वो, देखो एकदम ऐसा ऐसा टेढ़ा वाला रोड लग रहा है, इसके लिए लगते इतनी स्पीड ब्रेकर डाले। एकदम ऐसा टिल्ट है रोड, डिफेक्टिव बना है या वैसे ही बना है, टायर वायर डाले मतलब। हाँ ये टर्न एकदम शार्प है, इसके लिए इतने सारे स्पीड ब्रेकर डाले ताकि जो आए उसको अंदाज़ा आए कि टर्न का, ये तो कोई सीधा सीधा घुस लेगा दीवार के आर पार सीधा नीचे। खेड़ रेलवे स्टेशन, यहाँ से जो रोड जाता है एक्चुअली कशीड़ी घाट को जाता है, मतलब जो टनल का अभी नया काम शुरू हुआ है
अभी थोड़े दिन पहले गणपति के टाइम पर टनल ओपन किया था, लेकिन अभी वापस से बंद कर दिया। वो टाइम गणपति का सीज़न था, पब्लिक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है ये रूट पे, इसके लिए ओपन किया था, लेकिन अभी वापस से बंद कर दिया। तो अभी वापस से अपने को ओल्ड रोड पकड़ना पड़ेगा। अभी तक तो उसका काम पूरा हुआ नहीं है, अभी तक चालू है उसका काम, जिसकी वजह से अभी अपने को अभी इधर से जाना पड़ेगा। अगर वहाँ से रहता तो अपना 45 मिनट बच जाता था। और इतना आपको अंधेरा दिख रहा है, इतना हुआ नहीं एक्चुअली, अभी तक 5 भी नहीं बजा है, 4:46 हुआ है। जो सूरज देता है वो बादलों के पीछे शायद छुप गए, इसके लिए इतना अंधेरा हो गया। अभी ये रोड है ना, थोड़ा ख़राब है यहाँ पे, मतलब टिल ये जो कशड़ी घाट है उसके टॉप तक ये रोड थोड़ा ख़राब है। पुलिस यहाँ पे क्या चल रहा है, लगता है पकड़ा है, ट्रक पकड़ा है, ट्रक जाओ के इधर से। ट्रक को रुकाया था लेकिन ट्रक भाग गया। वो ऊपर बोर्ड देखो, डिस्को लाइट दिखा था अभी, ये बज गए शाम के 6:30 और अभी मैं पहुंचा इंदापुर में आराम आराम से आया, क्योंकि ट्रैफिक भी था पीछे, चाय पीने रुका था, तो अपना वाटर ब्रेक भी हो गया साथ साथ। गरीबी में आटा गीला तो दूर की बात है, यहाँ पे साला लगता है मैं गीला हो जाऊंगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है और मेरे पास कुछ नहीं है, ना रेन लाइनर है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब घर पे रखा हूँ मैंने। क्या पता ना यार, नवंबर दिसंबर में कहाँ बारिश आती है। हाँ, लेकिन मेरे पास टैंक बैग का कवर है थैंकफुल, तो अभी मैं मोबाइल वोबाइल सब टैंक बैग में डाल दूंगा और उसको कवर चढ़ा दूंगा। हालांकि अभी तक उतना फुल जोर से नहीं आया बारिश, थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन लग रहा है कि भाई आ सकता है, भागना पड़ेगा अभी मेरे को। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, जोर से बारिश हो गई स्टार्ट, मैंने ग्लोब निकल के अंदर डाल दिए, मोबाइल भी अंदर डाल दिया, अभी गोप्रो भी निकलता उसको भी अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि बारिश वैसे भी तेज़ हो गई है, बोल नहीं सकते क्या हो सकता है। अच्छी खासी सूखी बाइक आती थी घर पे, ये बारिश की वजह से पूरी गीली और ख़राब हो के आ गई कीचड़ उचड़ में। वो तो अच्छा हुआ ये बैग को मैं कवर हमेशा रखता ही हूँ, परमानेंट बच गया। तो टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली 10, मैं अभी घर पे पहुँच गया, बारिश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, आखिर तक मेरे घर तक मुझे सी ऑफ करने आई थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, सो फार सो गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपने अगर डे वन का वीडियो नहीं देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर जाके देख लेना, और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना। कमेंट बॉक्स पर हमेशा से खुला रहता है, भर भर के कमेंट्स करना। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट राइड में, टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय।